देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी की इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हर किसी ने अपना योगदान दिया। बनारस की एक मिठाई का भी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही है। बनारस की छोटी सी दुकान पर बिकने वाली तिरंगा बर्फी ने आजादी से पहले लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई थी। इस तिरंगा बर्फी को देख अंग्रेजों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि ये बर्फी हूबहू भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग की थी और अंग्रेजी हुकूमतों ने उस वक्त तिरंगा लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसे में बनारस के क्रांतिकारियों ने मिठाई पर भी तिरंगे को उकेर दिया और फिर उसे घर घर फ्री में बंटवाने लगे। जानकारी के मुताबिक 1940 में वाराणसी के प्रसिद्ध मिठाई की दुकान राम भंडार के तत्कालीन संचालक रघुनाथ दास ने इस बर्फी को तैयार किया था। इसमें और भी क्रांतिकारियों ने उनकी मदद की थी। अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने के लिए आजादी के दीवाने इस बर्फी को फ्री में बांटा करते थे। राम भंडार के संचालक अरुण गुप्ता ने बताया कि आज भी इस बर्फी को देखकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे आयोजन में इस बर्फी की खूब डिमांड होती है। इसके अलावा आम दिनों में भी लोग इसे पसंद करते हैं। राम भंडार पर आज भी 1940 वाले उसी तिरंगा बर्फी का स्वाद बरकरार है। खास बात यह है कि इस तिरंगा बर्फी में आज भी किसी केमिकल या रंगों का नहीं, बल्कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। केसर या सफेद और हरे रंग की बर्फी को बनाने के लिए केसर पिस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। दुकान एस्टेब्लिश 1850 के आसपास की, और उस वक्त मिठाई के नाम पर कोई वैरायटीज नहीं जानता था। उस वक्त हम लोग के दुकानों पर करीब 250-300 किस्म की मिठाइयाँ बनती थी। उस वक्त की एक प्राइस लिस्ट होती थी जिसमें मिठाइयों का विवरण दिया होता था, मिठाइयों का रेट दिया होता था। आज़ादी के समय हर भारतीय हर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दे रहा था आज़ादी के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने यह सोचा कि मिठाई में हम लोग क्या करें जिससे लोग में आज़ादी की भावना जागृत हो, उसके लिए प्रेरित हो। उसके लिए हम लोगों ने एक तिरंगी बर्फी निकाली जिसमें 3 रंग होते थे, जो हमारे नेशनल फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, उसकी पहचान है। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों के बीच में जागृति पैदा की देश के प्रति, तिरंगे के प्रति। ये 1940 के आसपास की बात है, उसमें शुरू हुआ था। हमारे पूर्वज से हमारे ग्रैंड दादाजी थे, उनका नाम था रघुनाथ दास, और उनके बेटे थे, हमारे दादाजी थे मदन गोपाल गुप्ता, उन लोगों ने ये शुरू किया था। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे मदन गोपाल जी, उन्होंने एक अपना योगदान देने के लिए उस मुहिम में तिरंगी बर्फी का निर्माण किया था। और उस समय अन्य मिठाइयाँ भी थी, जितने भी लीडर्स थे हम लोग के उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू पे जवाहर लड्डू था, वल्लभ संदेश था, गांधी गौरव था, तो बहुत सी मिठाइयाँ थी उस समय उनके लीडर्स के ऊपर उस टाइम के। एक सर मैसेज ये भी सुनने को मिलता है कि दूसरी मैसेज भी तिरंगे के माध्यम से आज़ादी के। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अंग्रेजों के भय से कोई बोलता तो था नहीं, अंग्रेजों के भय से कोई जो तिरंगा था उसको हर्ष भी नहीं करता था। उस समय तिरंगा फहराना ही मना था। तो उस मुहिम में एक अपना योगदान देने के लिए और एक आज़ादी के प्रति एक आग जलाने के लिए लोगों में, उन्होंने तिरंगे का स्टार्ट की थी।